हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने राहुल भाई के पास और मेरे भाई ने कबूतर पाल रखे हैं और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी ब्रीड और कैसी कैसी ब्रीड है और कितने अच्छे अच्छे हैं। तो क्या हाल है राहुल भाई? और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने सुंदर सुंदर और बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड के कबूतर हैं भाई के पास। और सेल ये हमारा कलसीरा कबूतर है। ये कलसीरा कबूतर है भैया, इसकी आँख दिखाना राहुल भाई, कलसीरे कबूतर की इसकी आँख देखो कितनी कितनी वो क्या कहते हैं इनके आँखों को, काली आँख है इसकी, काली आँख है और बिंदी बिंदी इसकी आमी तगड़ी है। खिला कबूतर हमारा, खिला कबूतर। कौन से कहाँ से ये करता है, वो कौन सी जगह से है ये? अभी ये हमारा घर का बच्चा है। अच्छा, घर का बच्चा है ये? एक ये घर का बच्चा हमारा, एक ये घर का बच्चा। जैसे कि आप देख रहे हो कितनी प्यारी आँखें हैं, कितनी स्वीट्स है, ब्लैक में प्योर ब्लैक। अभी बच्चा है जैसे कि देख पा रहे हो इतने। ये इसका बाप है, ये इसका डैडी है और एकदम वाइट। वो ये वाइट वाला उठाना यार राहुल भाई, इसे उतारना वाइट वाले को। अच्छा, इसी का जोड़ा है ये। ये देख रहे हो कितने कितने स्वीट से, कितने इनके जो पर देख रहे हो, इनके पर कितने कितने वाइट और कितने क्लीन है। और कबूतर की एकदम सेवा, बड़े भाई दिल से सेवा करते हैं कबूतर को। और आँख देखो कितनी, कौन सा तारा है, किसी तारा है ये हमारी यहाँ भी, क्या नाम है, तारी में कोई कबूतरी है, तारी में कोई कबूतर है ये। पैर तक बाल है इसके, पैरों तक बाल है इसके, इतना कितने क्यूट से कबूतर है वो। जैसे कि वो देख लो ताका झाके कर रही है, कोई मेरे साथ सेटिंग करे। ये हमारा लाल तांबड़ा है, ये लाल तांबड़ा है, देखो कैसे कितनी कितनी खतरनाक ब्रीड है इनकी, लाल तांबड़ा। ये 4 घंटे उड़ के आया था पिछले सीजन में, 4 घंटे का बच्चा ये। और सबसे सबसे खास बात यह है कि मेरे भाई के कबूतर आसमान की बिंदी तक छू जाते हैं और 4-5 घंटे से पहले नीचे उतरते ही नहीं है। पाकिस्तानी कबूतरी दिखा दे, देखो पाकिस्तानी कबूतरी, ये रही पाकिस्तानी कबूतरी। कलसरी में देखो इसकी, वाह वाह राहुल भाई क्या चीज है, कसम से बड़े नाइस और कितने खूबसूरत कबूतर रख रखे हैं भाई ने। और ये जो कबूतर जो आमतौर पे हर जगह उड़ते हैं, ये कलसीरे की ब्रीड करवाई है। देखो कलसीरे की ब्रीड दिखाते हैं आपको, अभी बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है कलसीरे की ब्रीड। दो बच्चे हैं। और ये भाई का कबूतर का घर है, ये छिपकली है क्या यहाँ पे इतनी बड़ी है? क्या गैलरी? तो ऐसी ऐसी बात है भाई, ये देखो अपने अपने घर में है, कितने प्यारे प्यारे इनकी आई, इसकी आई, उसकी आई। और हमने कबूतर पकड़ा था राहुल भाई और मैंने, कौन सा कबूतर राहुल भाई? वो ये कबूतर है जो हमने पकड़ा था, काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा था, 4-5 दिन से ये बाहर था, न्यू हैप्पी की छत पे जाके बैठता था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमने इसे बुला लिया अपने पास, आ गया है। ये घर की ब्रीड ही लेते हैं हम अपने, घर की ब्रीड ही लेते हैं और घर की ब्रीड ही सबको देते हैं। अगर सेल परचेज किसी को चाहिए होगा तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा भाई का, आप कॉन्टैक्ट कर लेना भाई से, वो अंदर मीटिंग के लिए डाल रखे दोनों को। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड के कबूतर थे आपके पास? कलसीरी और कलसीरे हैं, दबाजे हैं, ये दबाज हैं, ये दबाज है, जीर दबाज हैं। मैं तो पकड़ ही नहीं पाता कबूतर को, हाथ नहीं लगते ना इनके। आ गया हाथ में आ गया। ये कबूतरी बढ़िया उड़ी हमारी, बहुत बढ़िया कबूतरी उड़ती है, दोनों सीजन में उड़े हैं दोनों, देख सकते हो ऊपर नीचे। और इनका घर भी काफ़ी सेफ है, बहुत अच्छा है, ना बारिश की टेंशन, ना धूप, धूप तो ज़्यादा आती नहीं है। यही जंगली बच्चा कटवाया था इधर वाला, ये देखो ये बच्चा जंगली का, ये जंगली का बच्चा है, जंगली में कटवाया, जंगली से कटवाया है ये, अंडा दे के इसका। ये देखो ये ब्रीड तैयार हो रही है, अंडे तैयार हो रहे हैं, काले बच्चे निकलेंगे, ये अंडे तैयार हो रहे हैं, काले बच्चे निकलेंगे। और ये जो कबूतर है ना, बहुत ध्यान से कैमरे को देख रहा है, इसे फेमस करो, ये लो ब्रीड, आंख देखो इसकी कितनी चमकदार और कितनी ब्राइट है राहुल भाई। कसम से 6 घंटे अच्छा, कितने साल से कर रहे हो राहुल भाई कबूतर का आप ये काम? हो गया हमारे को तो अभी 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए, देख लो भाई को करते हुए। और इनका कोई भी कबूतर ऐसा नहीं है जो बीमार रहता हो, सारे स्वस्थ रहते हैं, एकदम बढ़िया कंडीशन में लड़ रहे हैं।
और इंशा और भगवान की दया से अभी देखो बच्चे निकलेंगे। तो इनके पास अब थे 60-65 कबूतर थे, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए क्योंकि इन्होंने थोड़े घर के ही लोगों को सेल कर दिया कि ये लोग साथ में कबूतर देखो 5 घंटे उड़ा हुआ, 5 घंटे उड़ा हुआ कबूतर सर जीती थी इनने देखो। तो ऐसे ऐसे कबूतर है भाई के पास, कपड़े देखो नहीं है, वाह एकदम नेचुरल। ये भी नहीं है कि इन्हें प्रोटीन या कुछ केमिकल से बड़ा किया जाता है या मतलब कुछ ऐसी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, घर का खाना सब कुछ घर का ही जो हम खाते हैं वही इन्हें भी खिलाते हैं। ये लो हरा कबूतर, ये हरा कबूतर ये देखो, जर्चों का शौक ज़्यादा है हमारे को, हम जर्चे हाँ जर्चा पर देखो इनका क्या बात है राहुल भाई, एक नंबर चीज़ है बिल्कुल, दूधिया हरा है ये, दूधिया हरा। अच्छा इनमें टोटल कितनी वैरायटियाँ होती है राहुल भाई? वैरायटियाँ तो इनमें अभी बतेरी होती है वैरायटियाँ, अभी वैरायटियाँ अच्छा जाए तो हम जोड़ी मार के वैरायटियाँ निकलती हैं इनकी। कहाँ कहाँ के कबूतर आपके पास, कौन कौन से? जैसे एक पाकिस्तान का था, ये पाकिस्तानी कबूतर या मद्रासी हैं, ये मद्रासी बैठा है यहाँ, ये मद्रासी बैठा है, दो दो कबूतर उड़ा के भी दिखाए थे। लो बाहर देखो इन्हें, ना कुछ छेड़ने की जरूरत है ना कुछ, ना छेड़ने की जरूरत है ना कुछ, ना कुछ करने की जरूरत है, ये लग गए हवा में। ओ भाई साहब ये तो उड़ते साथ ही ये लग गए हवा में, ये धोबी आँखों में पड़ रही है तो दिखाई नहीं दे रहे, एक वो जा रहा है एक वो जा रहा है, ये देखो उड़ाते सारी हवा में लग रहे हैं। ये भी नहीं कि घर के नीचे नीचे अभी बिंदी छूजेंगे आसमान, एकदम आसमान में चढ़ जाएंगे। ये आज का मेरा ब्लॉग था भाई के साथ और ये कबूतर अब निकलना स्टार्ट कर रहे हैं देखो, ये इनका ऐसा बाहर से घर है। ना छेड़ने की जरूरत, ना किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, ये देखो ऑटोमेटिक ही ऊपर वाले आ गए, ऊपर वाले उतर गए। राहुल भाई ने एक से एक चीज़ रख रखी है कसम से, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया आज मेरा। ये राहुल भाई हैं हमारे और मेरे को तो आज का मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ भाई के कबूतर के साथ, और बहुत अच्छे कबूतर है, बहुत सही हैं, और सबसे अच्छी खासियत इनकी ये है कि कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, ना ये भाई बीमारी नहीं पड़ने देता क्योंकि डाइट ही ऐसी है, सूखी रोटी चने बाजरा और इनका मतलब इनकी हेल्थ के लिए सही चीज़ दी जाती है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ भाई के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और भाई अच्छा बहुत सही लड़ रहे आपस में, लड़ रहे हैं, सेम जोड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, और भाई को थोड़ा उठाओ यार, मैं भी मज़दूर हूँ काम करता हूँ, लेकिन आज टाइम था तो चलो।